थोड़ी खुश करती हुए कमजोर मंत्री ने ऐलान किया है रिहायशी प्रोग्राम वगैरह से स्टार्ट हो रहा है। जो भाई अनलीगल हैं मलेशिया में बहुत दिनों से, तो उनके लिए एक सुनहरे मौका है कि दोबारा लीगल हो जाए। मगर ये है कि एजेंट से बचें, जहाँ काम कर रहे हैं आप लोग और जिस बॉस के पास काम कर रहे हैं उस बॉस को बोलें इस तरह हायरिंग से फायदा उठाएं। यस्टरडे उसने कल ही ऐलान किया है, तो बाकी प्रोसेस जो है वहाँ से नेक्स्ट वीक बताएगा वो। कि कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, और पास तो नहीं खुला। और पास के लिए लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब और पास भी खुल गया है, और पास नहीं खुला हुआ है। स्पेशल पास आप लगा सकते हैं, स्पेशल पास खुला हुआ है। फोन भेज के तो लास्ट टाइम उन्होंने पैकेज निकाला था, कंट्री चले जाओ तो भाई क्रेडिट के कार्ड के जरिए करना, एटीएम कार्ड के जरिए पेमेंट करना। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, 31st 2023 तक चलेगा ये प्रोसेस। इस भाई का जो है अगर अपने कंट्री जाना तो वो भी जा सकते हैं, जिसके लीगल होना है यहाँ पे, तो मुझे और 2-4 साल काम करना है यहाँ पर, तो वो अपने बॉस को बोल के यहाँ पे थंब प्रिंट लगवा सकते हैं बॉस के जरिए। बाकी एजेंट को तो आप छोड़ दें, एजेंट को तो आप भूल दें, एजेंट के चक्कर में ना पड़े, वरना फिर पिछले दफ़ा भी लोगों ने एजेंट के चक्कर पड़े तो अभी तक उनके स्टिकर ही नहीं इशू हुआ। एक साल होने को है अभी तक स्टिकर इशू नहीं हुआ, तो लुलूस के पास था है, किसी का लुलूस हुआ नहीं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो देखो उसी के बॉस को पकड़ो और बॉस पैसे भी कम लगेंगे और एजेंट के जरिए करवाओगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। एजेंट भी खाते हैं फिर एजेंट आगे खिलाते हैं, तो सबसे अच्छा जो चॉइस है वह बॉस का। तो ये खुशखबरी था भाई, और मज़ीद इंफॉर्मेशन आएगा तो फिर मैं किसी तरह वीडियो अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा कि कराची टू मलेशिया। आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इस चैनल को, तो बाकी जो लोग मलेशिया में रहने वाले हैं उनको भी जो है, इनको नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए कि भाई ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो रहा है। बाकी तो सारे एजेंट एक्टिव हो चुके हैं टिकटॉक में, सब ने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया कि कहीं से भी कोई मुर्गा फंस जाए। तो आज तक अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है कि भाई रिहायरिंग स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट वीक से बाकी प्रोसेस वो बता देंगे किस तरह क्या करना है। तो जिस भाई को लगाना है तो अपने बॉस को पकड़ के लीगल हो सकते हैं। तो आज का तो यहीं तक रिपोर्ट रहेगा, फिर इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आती है तो फिर मैं आपको बताऊँगा।
दुआ में याद रखना और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।